एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं, एडियाबेटिक, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन तो जानते हो, खास तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज कर जाए, उससे मतलब नहीं है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ऐसे खासम खास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में अभी आपको फ्रेंड्स पूछ रहे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस से आसान है एक्चुअली में ये अटेंड करना, आइसोथर्मल में दिक्कत है, प्रेशर वॉल्यूम पे जैसे ही छेड़छाड़ करोगे पीवी बराबर एनआरटी से टेम्परेचर में चेंज होगा ही, वो हाइपोथेटिकली ही अटेंड किया जा सकता है, एक्चुअली में थर्मोडायनामिक प्रोसेस का आइसोथर्मल प्रोसेस बिल्कुल 100% होना मुश्किल है, एडियाबेटिक तो कर सकते हैं, इसमें कुछ खास करना भी नहीं, हीट फ्लो रोकना है, प्रेशर चेंज हो जाए वॉल्यूम चेंज हो जाए टेम्परेचर तो ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी में पीवी चेंज हो रहा है, बीवी चेंज हो रहा है, टीवी हो रहा है, बात खत्म, हमें सिर्फ किससे रोकना है, सिर्फ हीट फ्लो से रोकना, कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत भयानक टॉपिक नहीं है। वॉल्स जो होना चाहिए सिलेंडर का भी आप लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, वो आइसोथर्मल में वो कैसा था, कंडक्टिंग था, यहाँ पर बस तुम इसको इंसुलेटिंग रखो, बाकी सब काम हो गया खत्म, इसका वॉल्स को इंसुलेटिंग रखो तो हीट फ्लो से तुम बचाए हुए रहोगे, अब तुम गैस को कंप्रेस करो एक्सपैंड करो, उसका प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ जो करना करो, हीट तो एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो हो गया एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को थ्योरिटिकली ही नहीं कंसेप्चुअली भी एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच कैन बी अटेंड क्वाइट इजली, आइसोथर्मल प्रोसेस इज एक्चुअली हाइपोथेटिकल, उसको करना थोड़ा मुश्किल है, सुनने में बहुत आसान लगता है टेम्परेचर सेम रख दो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये होगा सिलेंडर का वॉल्स को इंसुलेटिंग रखो काम खत्म, और सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच से आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे करना था, आइसोथर्मल प्रोसेस काफी स्लोली करना था, नहीं थोड़ा गलत दिखा दिया, हाँ बिल्कुल ये थोड़ा सा बिल्कुल, द गैस शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपैंड, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, जो प्रोसेस है वेरी क्विकली करना है, कोई काम नहीं है बट क्विकली करना है, क्योंकि बिल्कुल स्लो प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस का निशानी है, इस प्रोसेस को तुमको जल्दी 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 फटाफट करना है, और वॉल्स को इंसुलेटिंग रखना है, और जितना जल्दी करोगे वॉल्स तुम्हारा इंसुलेटिंग है, हीट फ्लो से तो रुका हुआ रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस को आसानी से हम लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे लिखो। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस, अब इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लेना, स्टार मार्क मतलब इसका प्रूफिंग नॉट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रूफ नॉट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और अभी हम लोग प्रूफिंग कर भी नहीं रहे, 2-3 दिन बाद सबका फाइनल है, इसका प्रूफिंग हमारे कोई काम में नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा, बहुत कुछ याद किया हो, कुछ दिन के लिए इसका इक्वेशन भी याद कर लो, ठीक है, एक बार स्कूल एग्जाम निकल जाए, मार्क्स हमारे पास है उसमें पढ़ेंगे प्रूफिंग प्रूफिंग सबके साथ, अभी इक्वेशन याद कर लो, इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है, अभी आइसोथर्मल में क्या आया था, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट, इसमें है पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, और ये गामा के बारे में कल बताया गया है जो लोग क्लास में थे, गामा कैपिटल सीपी बाय कैपिटल सीपी था, क्या क्यों क्या किस लिए कब, ये कल बताया गया, ये आज नहीं बताया जा पाएगा, अभी सिर्फ इसका इक्वेशन याद करके चलेंगे, इसका इक्वेशन जो है वो पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, ये फिलहाल के लिए थोड़े देर के लिए याद करके रखो, ठीक है, कल जो लोग क्लास में थे कल गामा भी तो याद किए ना, मोनो एटॉमिक का 5/3 होता है, डाई एटॉमिक का 7/5 होता है, याद किए ना, कभी ना कभी आएगा, कैसे आया क्यों आया किस लिए, अभी तक नहीं आया तो याद किए, तो कुछ देरी के लिए इसको भी याद करके रखो, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का पीवी बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल वाला तो तुम देख ही लिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट से आ गया, ये अभी नहीं आ पा रहा है, जिसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, प्रूफिंग मौका देख करके करेंगे, अभी फिलहाल इसका सिर्फ इक्वेशन याद करेंगे, पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है, लिखो। एक चीज तो इसमें याद कर लिए पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये इसको थिंग्स टू रिमेंबर में है, याद कर लिए, ये अच्छी बात है, ये सबको याद हो गया, आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट, एडियाबेटिक में पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, लेकिन पहला दिन ही आपको एक डेफिनेशन लिखवाया गया था इंडिकेटर डायग्राम का, और इंडिकेटर डायग्राम में आपको साफ साफ बताया गया था कि जरूरी नहीं हो पीवी हो, वो दो एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 95% क्वेश्चन पीवी का है, बट क्वेश्चन टीवी का वीटी का पीटी का एसटी का यूटी का केमिस्ट्री में एचटी का भी पढ़े हो, तो वो इंडिकेटर डायग्राम किसी का भी हो सकता है, पीवी ही फेमस है,
बट पीवी से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी एडियाबेटिक में, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। एक मोल अपन आइडियल गैस, एक मोल नहीं भी लेते तो भी आ जाता पीवी बराबर आरटी। मैं लिख रहा हूं तुमको, एनआरटी लिखना तो लिख लो। तो उससे क्या हो जाएगा, पीवी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पीवी टू द पावर गामा और डिवाइडेड बाई पीवी बाई टी, इस कॉन्स्टेंट से इस कॉन्स्टेंट को डिवाइड करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा। और वो कितना आएगा, देखो बेस सेम है डिवाइड में है, तो वी का पावर गामा माइनस वन इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट हो गया। तो जितना प्यार से एडियाबेटिक में हमने पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट याद करना है, उतना ही प्यार से टीवी टू द पावर गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट भी याद करना है एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, याद करो। तो रिलेशन बच्चों पीवी के बीच में आ गया, टीवी के बीच में आ गया, एटलीस्ट पी और टी के बीच में भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैसे किया जाए, यहाँ पर साइड में याद है वीडियो में कैसे किया जाए, तुम लोग बताओ। जैसे पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, इसको कुछ मान लेते हैं क्वेश्चन वन, और यहां पर था पी वी बाई टी बराबर आर था, है ना। एलिमिनेट करना कैसे किया जाए, गामाइंग बोथ साइड कर देते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड होता है, इसको करना यार गामाइंग ही बोला जाता है, जैसे स्क्वायर का स्क्वायरिंग क्यूबिंग बोथ साइड, वैसे गामाइंग बोथ साइड ही बोला जाता है, वही होता है, गजब कर रहे हो, सब तरफ गामाइंग करो चलो। अरे सच में यही बोलते हैं, हंसी क्या हो रहा है, सच में यही है। चलो बताओ पहली बार सुनो, हाँ तो गामा ही पहली बार सुनो, तो इससे पहले कब सुनो, अरे रामायण नहीं बोल रहा, रामायण बोलते हैं, पर ई का पावर गामा नहीं बोलो इधर, बी का पावर गामा। अच्छा आर पे पावर गामा लगाएंगे तो वो एक, अब इन दोनों को कैसे एलिमिनेट करना है, चलो करो डिवाइड ही कर दो, फिर से इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू करो, बताओ खुद से बताओ तो याद रहेगा, नहीं तो रटना पड़ेगा पूरा, लिख ही देते हैं पूरा, पी वी टू द पावर गामा बाई पी का पावर गामा वी का पावर गामा और ऊपर टी का पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ये हटाना जरूरी हो गया था, तो बस हो गया, पी का पावर वन माइनस ये ठीक है, और इसको और दूसरे टाइप से भी कुछ लिख सकते हैं, वन माइनस गामा ठीक नहीं लग रहा है, उसको गामा माइनस वन करना है तो कैसे होगा, नहीं नहीं कॉमन पावर कॉमन कैसे, इसको नीचे करना पड़ेगा, नीचे करने पर ये क्या हो जाएगा, पी का पावर गामा माइनस होगा ना, और फिर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बात बनेगा, अच्छे से बताना, देखो हाँ उल्टा करके डिवाइड कर देंगे, हाँ बिल्कुल बहुत तुम अच्छा बताइए, लेकिन क्या बताइए समझ में नहीं आई, इसलिए आप लोग नहीं, क्योंकि मेरे को लगा अच्छा ही बोली होगी। देखो बच्चों जो मैं कर रहा था वो बताओ, थोड़ा सा इसको बोले कि इसको गामा माइनस वन करने के लिए डिवाइड में लाना पड़ेगा, पहला काम डिवाइड से फिर उस तरफ लेकर के जाएंगे तो पी का पावर गामा माइनस वन न्यूमरेटर में रहेगा और टी का पावर गामा को नीचे डिवाइड कर देंगे, अब बताओ कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी का पावर गामा माइनस वन बाई टी का पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसको हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन को याद रखना, जितना अच्छे से ये जानना है उतने ही अच्छे से ये और उतने ही अच्छे से ये भी जानना है, पी का पावर गामा माइनस वन बाई टी का पावर गामा, टीवी टू द पावर गामा माइनस वन और पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, ये तीनों ही इक्वेशन जो है वो माना जाता है एडियाबेटिक का इक्वेशन, बात नहीं, सिर्फ पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट ये नहीं है इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ये तीनों ही है इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, सिर्फ पीवी टू द पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट नहीं, ठीक है, लिखो। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देख लिया जाए, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस को भी देखा जाए, ठीक है, तो कैसे कैसे अप्रोच होगा, किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का डीडब्ल्यू बराबर dW से W निकालने का पूरा यूनिवर्स में एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें भी P को बाहर नहीं निकाल सकता, आइसोबेरिक थोड़ी पर रहोगे बाहर निकाल लिए, वो ऐसे करो कि P बाहर तो हर बार P आ जाएगा, dV का भी आ जाएगा, तो हुआ क्या फिर, P dV हर बार P भी आ जाएगा, थोड़ा समझदारी लगाओ, है ना, ये तो W हो गया, अब इसमें कुछ करना पड़ेगा, पिछले वाले में उपाय था RT / V करके कुछ कुछ कर दिए थे, इसमें क्या किया जाए, तो यहां पर आ जाएगा लिखने पे, पीवी टू द पावर गामा बराबर क्या था, इसमें कॉन्स्टेंट था, अभी किए थे
तो इससे P बराबर क्या हो गया, P बराबर K बाई, या फिर P बराबर K इंटू V का पावर, कर सकते हैं सर यहाँ पर P के जगह पर मैनेज करना पड़ेगा, K V का पावर माइनस गामा इंटू V, ठीक है। वॉल्यूम का लिमिट तो दोगे ना, कहां से कहां लेकर के जा रहे हो, तो के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो, इसमें कोई आइसोथर्मल एडियाबेटिक वाला चीटिंग नहीं है कि कैसे के को बाहर कर दिए, कांस्टेंट तो बाहर जाएगा जो भी हो। तो अभी यहां पर ऐसे वर्क डन लिखे, और अब और यू कैन से यहीं से ही ये एरा गैरा वर्क डन नहीं निकल रहा क्योंकि तुमने इस इक्वेशन का यूज कर लिया है, और ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक में ही लगता है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा। सारी बात ये कहां से निकली, ये तुम लिखे हो ये इक्वेशन का यूज करके, और ये इसी का इक्वेशन है, ठीक है, हो गई बात समझ में आ गई, तो बाहर करो इसको, थोड़ा बोलो और थोड़ा लिखते भी रहो क्योंकि स्कूल वगैरह भी है, सब लोगों का ट्यूशन होगा और मिलने मतलब ट्यूशन भी है मेरा भी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करो। चलो इसको बताओ, के बाहर आ गया, वी का पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन, बोलते भी रहो लिखते भी रहो, वी का पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन, वी का पावर एक्स का पावर एन का क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वैसे ही वी का पावर माइनस गामा है, वी का पावर माइनस गामा क्या होगा, वी का पावर माइनस गामा बाई माइनस गामा प्लस वन, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो के रहा और वी के जगह वी का पावर माइनस गामा वन बाई, जो नीचे वाला वो तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर भी कर सकते हैं, वन माइनस गामा, और लिमिट वा लगाना है वी वन से वी टू, करो 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 जल्दी जल्दी करते भी चलो, लंबा चौड़ा कुकिंग है, करते हैं इसको। हो ही जाएगा फटाफट, लिमिट लगाए वी वन से वी टू, और अब इस लिमिट को सेटअप करते, कहां तक आ रहा है नीचे देखो, तो नीचे कहां तक आ रहा है लिखूं यहाँ पर, आप ही लोग बताइए, चलिए मैथ नॉन मैथ अपना कुछ बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, बताओ अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस वी टू माइनस गामा माइनस, क्या ठीक है, ओके है, ठीक है। अब ये नीचे वन माइनस गामा थोड़ा पसंद नहीं आ रहा हमें, ठीक है, क्यों नहीं पसंद आ रहा, तो ये आप लोग कल जो लोग क्लास के थे उन लोग बताएंगे, गामा का वैल्यू जो मोटा मोटी जो दो मेजर गैस है मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, मोनो का 5/3 वैल्यू था और डाई का 7/5, एक से जब माइनस करेंगे सारा आंसर हर बार माइनस में ही आने लगेगा, तो ठीक नहीं लग रहा है, इसको गामा माइनस वन करते हैं, इधर आएगा लिखने पे बस, तो तुम ही लोग बताओ मैथ्स वाले हो, के बाई इसको गामा माइनस वन किए मतलब माइनस मैनेज किए हैं, तो ये वाला पहले आ जाएगा, वी वन वन माइनस गामा लिखते हैं, माइनस गामा प्लस वन देखने में ठीक नहीं लग रहा है, माइनस वन माइनस, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक लिखते रहो आगे देखें, अब हो जाएगा, यहां तक समझ गए तो इसके आगे शायद अब तुम लोग निकाली लोगे, यहां तक हुआ तो कुछ काम बन जाएगा, यहां तक हो गया क्या, अब के को अंदर ठेल देते हैं, के अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के, अभी बाहर निकाले थे इंटीग्रेशन के, बाहर निकाले थे क्योंकि अंदर रखे इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाता, अब तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खत्म हो, तो कॉमन नंबर मल्टीप्लाई, अब के को अंदर कर देते हैं जानबूझ करके, आ रहा समझ में, एपी जी एजीपी बताओ खुद से बताओ, के को अंदर करो, के इंटू वी वन माइनस के इंटू इंटू, इसमें के था क्या, कौन सा कॉन्स्टेंट, ऐसे नहीं काम चलेगा, पी वी टू द पावर गामा था, पी वी टू द पावर गामा, तो इसको हम लोग ऐसे पी वन वी वन गामा लिख सकते हैं, पी वी टू द पावर गामा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यहां पर पी वन वी वन गामा लिख लेते हैं, और साथ में ये बना हुआ है V1 का पावर, अब यहां पर K के जगह पर जानबूझ करके हम लोग V2 का पावर गामा लिख देते हैं, और फिर V2 का पावर हो गया, तो फिर दिस इज 1 बाई गामा माइनस 1, अब तुम्हारी बारी आ गई, बेस सेम है ऐड होता है ना, सिर्फ 1, बढ़िया P1 V1 माइनस, बस हो गया काम हमारा बन गया, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज 1 बाई गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 बाई 1 बाई क्या आया गामा माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत, सो इट्स क्वाइट इजिली डन, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं हम लोग,
इक्वेशन ये हो गया, यही आंसर है इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग याद किए पीवी बराबर एन आर टी। तो एक मोल ऑफ गैस के लिए पीवी बराबर आर टी, तो पी वन वी वन के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन एक मोल के लिए है डकार नहीं, डकार नहीं डकार ले रहे हो क्लास वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक बताओ फिर पी वन वी वन के जगह पर आर टी वन और पी टू वी टू के जगह पर आर टी टू, आर को बाहर चलेगा पी वन माइनस हो गया काम हमारा वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस आर बाई गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एक मोल के लिए है, जो लोग अबव एवरेज है पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड स्कूल एग्जाम में एक मोल के लिए आएगा बट जेईई मेंस एडवांस नीट में एक मोल के लिए इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए प्रूफिंग को ख्याल रखना, जहां पर चोरी किया हो वहां पर मालूम होना चाहिए। फिजिक्स ऐसा ही है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए फिजिक्स में प्रूफिंग का आइडिया होना जरूरी होता है, मैथ में फॉर्मूला से भी काम शायद बने। यहाँ पर जहां एंट्रेंस का क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे पीवी बराबर आरटी नहीं लगा के क्या लगा देंगे, एन आरटी लगा देंगे, तो वो एन को मैनेज करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। पिछले वाला भी जो तुम प्रूफिंग किया वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल वो एक मोल के लिए है, थोड़ा समझदारी से करेंगे स्कूल एग्जाम में। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी वन बाई आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू, ये हो गया हमारे काम की बात। ठीक है ठीक बोलो को दिक्कत, तो दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एक काम नहीं किया उसको भी एक मिनट में लिखेंगे, क्या नहीं किया बताओ जल्दी से, इसमें क्या नहीं किया अभी तक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एडियाबेटिक प्रोसेस में अप्लाई नहीं किए तो उसको कर दो, इससे कोई मतलब नहीं, अलग से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी अप्लाइड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, जल्दी से बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो हो रहा है, डी क्यू, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू या फिर टी डी, जो लिख लो इस बार ये डी क्यू ही जीरो है, इस बार दिस इज डी यू बराबर माइनस टी डी भी है। ठीक है तो ये हो गई बात, तो हाँ तो इसमें थोड़ा सा बताओ अभी आप लोग थोड़ी देर पहले एक चीज बातचीत करते, जल्दी से बताना सोच समझ करके। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ठीक है वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एक्सपेंशन में सिस्टम ठंडा होता है कि गर्म, ये तो कॉमन सेंस से बता रहे हो। अब यहां पर देखो ध्यान से देखना, आ जाएगा बढ़िया अगर आइडिया लगाए हो तो। ये देखो डी यू बराबर माइनस पी डी भी हो गया है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, प्रेशर तो पॉजिटिव ही होता, आगे माइनस लग गया, मतलब ये पूरा डी यू क्या आ गया, और डी यू हम लोग जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं डायरेक्ट फंक्शन है टेम्परेचर का, तो डी यू अगर निगेटिव है इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर भी निगेटिव हो रहा है, और चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर घट रहा है, और घटने का मतलब होता है टेम्परेचर घटने का तो ठंडा होना होता है, एक्सपेंशन में पूरा सिस्टम जो है वो ठंडा होगा। बट अगर आप 100% एफिशियंटली इस रूल को लगाने वाले हैं तो उसके लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक होना चाहिए। एडियाबेटिक नहीं हो तो तुम 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि बस एक्सपेंड करेंगे तो ठंडा होगा और कंप्रेस करेंगे तो गर्म होगा, ऐसा बोलने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रोसेस एडियाबेटिक हो। बिना एडियाबेटिक के तुम ये बात नहीं बोल पाओगे सामने वाले को कि जब एक्सपेंड होगा ठंडा ही होगा और जब कंप्रेस होगा गर्म ही होगा, ये हर केस में नहीं चलेगा। ठीक है सो दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। स्कूल एग्जाम के हिसाब से चैप्टर हो गया खत्म, क्योंकि इस बार को जो आपका सिलेबस काटा गया है उस हिसाब से आपका सेकंड लॉ आ नहीं रहा, ये कुछ लोग का स्कूल में पूछ लिया है बट एकदम नहीं आ रहा है सेकंड लॉ, आपके इस बार के जो सिलेबस कटा हुआ उसके हिसाब से नहीं आ रहा, फर्स्ट लॉ में यही तक है। ठीक है तो हो गया था।